कि भारतीय जनता पार्टी के पास 238 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी 94 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और रही बात तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, 290 है एनडीए और एनडीए 230। नहीं, मैंने एनडीए और एनडीए की बात नहीं की, आपका जो टैली सामने है इंडिया गठबंधन का, मैं भाजपा की सीटों की बात कर रहा हूँ, 238 है और कांग्रेस की सीटें 94 दिख रही है। व्यक्तिगत दलों की सीटों पर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने सामने लगा रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक रही बात तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संदर्भ में बात करने की, तो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी भाजपा के गठबंधन में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आंध्र प्रदेश में लड़ रहे हैं और बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता के रूप में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का एक काउंटर हो गया। मैंने आपको बोलने के समय रोका और टोका नहीं, इसलिए आप भी मत बोलिए। बोली इतना बेचैनी का आप नीतीश जी के भरोसे हैं और कि कुछ भी बोल दे सेकंड दे दीजिए आप नीतीश जी के भरोसे हैं। शेर के साथ जो है आपकी बात खत्म कर दूंगा, शेर और शायरी करेंगे जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे। तो मेरे नीम पर आम आने लगे। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता थोड़े हूँ, मैं तो युवा चेतना संगठन का कार्यकर्ता हूँ और देश का नागरिक हूँ, आम नौजवान हूँ। तो देश के नागरिक सभी हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आप हमारे और भी मेहमान साथ है, उससे पहले शेयर बाजार, शेयर बाजार को आज आ रहे नतीजे पसंद नहीं आ रहे हैं। शेयर बाजार भारी गिरावट, जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है उस रुझान का असर शेयर बाजार पर गिरावट वाला है। सेंसेक्स करीब 4500 अंक नीचे गिरा है, तो शेयर बाजार में गिरावट, 4500 अंक गिरा सेंसेक्स। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है और शेयर बाजार को आज के ये रुझान पसंद नहीं आ रहे हैं। सेंसेक्स में गिरावट की खबर आ रही है, शेयर बाजार में 4500 अंक की गिरावट अभी तक हो चुकी है। तो और बहुत सारे शेयर ऐसे हैं, बड़े बड़े नाम वाले शेयर ऐसे हैं जो धड़ाम हो गए हैं और ये जो नतीजे हैं अभी जो आ रहा है अमनदीप, जिस तरह से रुझान सामने आ रहा है, जो लग रहा है कि शायद नतीजों में लगभग लगभग ऐसा ही कन्वर्ट होगा, तो शेयर बाजार को ये बात पसंद नहीं आ रही है। बिल्कुल, एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था कि उछाल जरूर आया था लेकिन अब गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं। चलिए समीर सिंह जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। सर बहुत स्वागत है आपका। उससे पहले रामपुर से घनश्याम आगे चल रहे हैं, मोहिबुल्ला नदवी रामपुर से आगे चल रहे हैं, फतेहपुर सीकरी में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार फतेहपुर सीकरी में आगे चल रहे हैं, राजकुमार चाहर 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, रोहित सिंह राष्ट्रीय आयोजक युवा चेतना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कई और गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका रुख करेंगे। और हाँ, आप शायरी के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, नीतीश बाबू पर भरोसा जता रहे हैं और नीतीश बाबू को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा कहाँ रहेंगे, अभी तक क्लियर नहीं। हालांकि उन्होंने आके दिल्ली में कहा जरूर कि मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। देखिए क्या होगा, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार साहब की खुद की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की एक धड़े से थी और वो जग जाहिर है, किसने चाबी फीकी और किसने जो है दरवाजे बंद कर दिए और किसने खोल दिए, ये अब बड़ी रोचक बात होगी देखने वाली। लेकिन मैंने जैसे अपने एक शेर में कही, जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे और मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे जी। आने वाले वक्त में अभी 2 घंटे के बाद और पिक्चर हो जाएगी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 230 के भी नीचे ना रह जाए। खुद इंडिविजुअल 230 से नीचे बीजेपी की आप बात कर रहे हैं या एनडीए की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, और आप अन्य को मत जोड़िएगा, अन्य को अन्य ये किधर जाएंगे, अगर अन्य जो है इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में एक मजबूत सरकार इंडिया के, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में लोग हम देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सेटबैक है जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, जिसको बार बार कहते हैं, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं ना हमारे साथ में, उसकी जो गर्मी थी जैसा टेम्परेचर था उस गर्मी को भाप नहीं पाए, हालांकि 52-53 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा लेकिन जो वोटर की गर्मी थी वो निकलने जा रही है, ये साफ रुझानों में दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। समीर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। सर क्या जवाब देंगे आप, और साथ ही यूपी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी बीजेपी लेकिन अब देखिए यहां तो आधे में सिमट कर रह गई है।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में है, इनको धैर्य रखना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक एक सीट का, देखिए समीर जी आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, 12 बज रहा है यानी कि वोटों की गिनती को शुरू हुए 4 घंटे का वक्त बीत चुका है और कहा जाता है कि 12 बजे के आसपास जो तस्वीर दिखती है 10-15 सीटों का आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अरुण गोविल मेरठ से, अरुण गोविल को आपने चुनाव मैदान में उतारा, वो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अगर सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। निकाह की बेचैनी हो गई है और अरुण गोविल जी का सवाल हो, अरुण गोविल जी का सवाल हो, आंवला का सवाल हो, अच्छा अभी भी 80 में से 80 सवालों में सीटें गिना रहा हूं, जिन सीटों को अभी आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है, क्या अभी भी यही कहेंगे कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे? मैक्सिमम सीटें हम कहीं 2000 से पीछे हैं, कहीं 3000 से पीछे हैं, कहीं 5000 से पीछे हैं, कई सीटें हम पीछे थे वो आगे हो गए हैं। और आप देखिए एक विधानसभा के अंदर 300 से 350-400 बूथें होती हैं, 12 टेबलों पर गणना हो रही है, 22 से 25 राउंड की गणना होनी है, अभी मुश्किल से 6 से 7 राउंड 8 राउंड की गणना हुई है, 18-18 राउंड और 12-12 14-14 15-15 राउंड की गणना होनी है। और आप कह रहे मामूली कि अंदर की सीट अगले एक दो घंटे में मैजिक हो जाएगा, मान रही है कि हम जीत रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, अगर समाजवादी पार्टी तो देख ले, समाजवादी पार्टी के नेहा यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, हुए नामांकन करने गए थे। ठीक है समीर जी, आप अभी अपने दावे पर कायम हैं, समीर जी नेहा यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेहा यादव बहुत उत्साहित, जाहिर सी बात है बहुत कड़ी टक्कर, बहुत मेहनत अखिलेश यादव ने की, उन्होंने एक गठबंधन बनाया, एक रणनीति बनाई, कांग्रेस को जोड़ा, उधर टीएमसी को भी जोड़ लिया, और उसी का असर देख रही हैं आप या कुछ अलग? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की रणनीति और इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में खटाखट काम कर गया है। और जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जिस बौखलाहट से बात कर रहे हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि ये सीटें नहीं जीत रहे, ना ये सीटों पे आगे चल रहे हैं, ये सिर्फ किसी चीज में आगे चलते हैं तो जुमलों में आगे चलते हैं, इनके पास सिर्फ जुमले थे। आज हमें जो पेपर लीक से परेशान नौजवान है उसने हमें वोट किया है, महंगाई से परेशान जनता ने हमें वोट किया है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सामना करने वाली जनता ने हमें वोट किया है, नारी सुरक्षा की बात करने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित और अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया। आप यकीन मानिए मनदीप जी, बताइए आप, भूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, टिकट दिया। अजय मिश्रा टीनी, अरे गायत्री प्रजापति किस पार्टी के नेता है, ये इनसे बात आगे बढ़ चुकी है, इनसे बात आगे बढ़ चुकी है, आप तो देखिए ईवीएम खुल रहा है। प्रजापति का क्या किया, एक दर्जन बलात्कारी नेता आपकी पार्टी में, एक दर्जन, कम से कम आप महिला हो, आपको तो ऐसे बलात्कारी पार्टी की वकालत नहीं करनी चाहिए, जिनकी सरकार ने एक दर्जन मंत्रियों को इस्तीफा दिया हो। देखिए ये जो वक्त ना, ये वक्त निकल चुका है, अब तो ईवीएम खुल रहा है, ईवीएम में सत्य किस्मत क्या है, ईवीएम में सत्य किस्मत क्या है, जो दावे वायदे थे अब वो कितने हकीकत में तब्दील हो रहे हैं वो देखने का वक्त आ गया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आपको जनता ने लात मार के सत्ता से बेदखल किया है। नेहा जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद है।